दोस्तों, मैं गौतम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टी फोर टेक में। और आज की इस वीडियो में छोटी सी अनबॉक्सिंग करूंगा सेल्फी फ्लैश की। जैसे कि मेरे फोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं सेल्फी फ्लैश की अनबॉक्सिंग करूंगा। जैसे कि मैंने पेटीएम से मंगाया, आपको दिख रहा होगा पेटीएम का लोगो। जैसे कि फोकस करके दिखा देता हूँ, पेटीएम का लोगो दिख गया होगा। मैं जैसे कि सील खोलता हूँ, सील तो मैंने खो चुका, क्योंकि देख रहा था कि ठीक है या नहीं है। सील खो चुका हूँ मैं इसे, जैसे कि मैं अनबॉक्स करूंगा। कुछ इसके मतलब क्वांटिटी देखिए, कितने का मंगाया है, किसने डिलीवर करा है। तो मेरे भाई के नाम से डिलीवर हुआ है, मेरे एड्रेस पे हुआ है। जो बार कोड दिया गया है, इतना इसका पेटीएम का लोगो दिया गया है। और जैसा इसके लिए अनबॉक्स कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं पहले क्या है। तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, और उसे कुछ दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये एक तो बिल आया इसमें, जैसे कि आपको बिल दिखा रहा था, ये बिल आया गया है। कुछ फोकस करके दिखाऊँ तो आपको, इस तरह से बिल आया गया है, शिफ्ट फ्रॉम का शिप हुआ है और बहुत चीज दिखाई गई है इसके। इसको छोड़ो, मेन चीज तो ये है, ये मेन चीज। तो मेन चीज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, जिसका इसका रिव्यू करने वाले हम सेल्फी नाइट लाइट सेल्फी का। बहुत लोगों ने मंगाई थी यूट्यूब से और रिव्यू बहुत देखे थे, तो मेरे को अच्छी लगी, मैंने मंगा ली। सिर्फ मैंने 100 रुपए की मंगाई है, मतलब 150 की मंगाई है मैंने, क्योंकि 74 रुपीज तो डिलीवरी चार्ज थे, पर मेरे 25 रुपीज का कूपन पड़ा था, इसलिए मैंने मंगाई थी। तो चलिए इसका फटाफट अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इधर से अनबॉक्सिंग होता है ऐसे, इसका ऐसे मैंने खोल लिया इसका। और इधर से कुछ मेरे को कुछ ये पंजी जैसी टाइप दिखी है, ऐसा कुछ दिखा है मेरे को। और इधर से मैं निकाल चुका, मेन है ये सेल्फी लाइट इसका। इसको एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा है, ठीक है जी, ऐसा है कुछ। अब इधर से आपको दो बटन मिलते हैं ऑफ और ऑन का। जैसे कि आपको कुछ फोकस करके दिखाऊं या फिर कुछ टॉर्च ऑन करके दिखाता हूँ, फोन की टॉर्च ऑन करके दिखाऊं तो। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि इसके बटन अब आपको दिख गए होंगे थोड़े बटन, ये मैंने फोन की टॉर्च ऑन कर लिया है। इतना साफ नहीं दिख रहे होंगे, पर थोड़ा कैमरे के पास लगा दिखाता हूँ। इधर दो बटन दिख रहे हैं, ऑफ पे अभी मेरा मोड, इधर ये रहा ऑफ का बटन, ऑफ पे अभी मैं उस पर ऑन पे करता हूँ। तो अभी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है, अब ज्यादा आपको दिख नहीं रहा होगा ऐसे। अभी आगे जो वीडियो आएगी, क्योंकि मैंने दो तीन वीडियो को मैंने पहले बना चुका था, थोड़ी कंबाइन करके बनाई है, ऐसे आपको लाइट दिख चुकी है। अभी मीडियम लेवल पे देखते हैं, मीडियम पे है, स्मॉल पे है, लाइट काफी अच्छी आ रही है। मैं इस पे जाता हूँ एल पे, अभी अब मैं जाऊँगा एम आर पे, एच पे मतलब सबसे हाई। और इस पे दूसरा मोड है मीडियम का, मीडियम। अभी मेरी मीडियम पे देखो, जैसे कि बीच में है एल एम आर, आपको दिख रहा होगा मीडियम पे है। एल पे सबसे लाइट कम और सबसे ज्यादा अच्छी ऐसी हो जाएगी। तो 16 LDA 100 रुपए ठीक है, और बाकी की वीडियो क्वालिटी आगे पता लगेगी। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सी क्लिप में, दूसरी क्लिप में। तो अब जैसे कि मैं आपको प्लग इन दिखा रहा हूँ अपने फोन में, ये फोन है मेरा, देख सकते हैं एमआई का, MI3। तो अब मैंने जैसे कि लगाई है, इस पे आपको दिख रहा है, ये जैसे कि थोड़ा मेरे को ऐसे लाना पड़ेगा। मैंने ऑफ में प्लग इन करी है, प्लग इन कर दी तो आपके फोन में एक बार लाइट जली, इसमें जल गई है। हमें वो क्या करना है, बस सिंपली अपना कैमरा ओपन करना है, फिर आपके पीछे ऐसे बटन दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि मैं घुमा के दिखाया मैंने ऐसे बटन, तो इनको ऑन कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट ऑन हो गई है, और देख सकते हैं आप। और जैसे कि मैं फ्लैश ऑन करता हूँ तो मेरे फोन की इसमें दिख गया होगा, देखो हाँ जी ऐसे दिख गया होगा। तो काफी अच्छी LED है, मैं जैसे कि आप देख सकते हैं क्लैरिटी जैसे आ रही है, इसकी क्लैरिटी साफ आ रही है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी लाइटनिंग है मुंह पे। तो जैसे कि फोटो क्लिक करता हूँ, तो ज्यादा साफ फोटो नहीं आती, पर बहुत क्लैरिटी मिलती है। जैसे कि मैंने मीडियम पे रखी है, जैसे सबसे लार्ज पे करता हूँ तो आपको 10 ऑप्शन मिल जाते हैं, मीडियम लार्ज LMR दिखा होगा। तो मैं जैसे कि सबसे ज्यादा लार्ज पे कर देता हूँ, अब मैं सबसे लास्ट पे है, देखो सबसे लास्ट में है, अब देखते हैं कैसी आ रही होगी। तो अभी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही, पर ठीक है। तो हाँ जी, कैसी लगी वीडियो, वीडियो साफ नहीं होगी। तो मेरे को तो अच्छी लगी वो सेल्फी लाइट जो मैंने मंगाई थी, और बैकग्राउंड नॉइज़ की फिर से तो माफी चाहता हूँ मैं। और वो सेल्फी लाइट अच्छी लगी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो बेस्ट वाली लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप जाके गिवन लो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इससे सस्ती तो मेरे लिए, क्योंकि सबसे सस्ती जो पूरी वेबसाइट में थी, नेट पे थी, मैंने सबसे सस्ती वो ली है। तो इसका प्राइस है 100 रुपए का, और इसकी शिपिंग चार्जेस है 74 रुपीज की, मतलब बहुत ज्यादा शिपिंग चार्ज है। तो मेरा 25-30 रुपए कूपन पड़ा होता ई बे उसका पेटीएम का,
तो मैंने वो यूज करके मेरे को 150 की पड़ी है। तो आप 174 या 150 बाय सकते हो अगर आपको इसको पता है। मेरे को बहुत अच्छी लगी वीडियो भी, आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने आपको रीजन तो बता दूं कि मैंने क्यों खरीदा है। मैं वैसे इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं नया कैमरा खरीदूं, पर फिर भी मैंने इसलिए खरीदे कि थोड़ी कैमरे में इंप्रूवमेंट मिले। और जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फेस में से थोड़ी लाइट आ रही है, वो उससे ही आ रही है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ना भूलिएगा। शेयर तो जरूर कीजिए, 90 सब्सक्राइबर हो गए, 200 सब्सक्राइबर और चाहिए तो 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। फिर कुछ चैनल अपडेट्स होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब दे दो। वीडियो बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।